भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के मदनपुर गांव में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार बिंद ने छत्तीसगढ़ में शहीद हुए वकील बिंदु के घर सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यार्पण कर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि शीघ्र ही वकील बिंदु को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद द्वारा इस मुद्दे को शीघ्र ही लोकसभा में रखा जाएगा तथा इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवा कर छत्तीसगढ़ नक्सलियों से मुठभेड़ में हुई वकील बिंदु की मृत्यु को शहीद का दिलवा कर रहेंगे। उनके नाम से उनके गांव में स्मारक बनेगा तथा पार्क भी बनवाया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हजारीलाल केवट, डॉक्टर यशलाल बिंदु, चंद्रशेखर बिंद सहित बड़ी संख्या में जय निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस विधानसभा का इस जिले का बहुत बड़ा महत्व है कि निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल 2017 में चुनाव लड़ी और यहाँ से एक विधायक बनाकर भेजी और 2018 में उपचुनाव लड़ी और गोरखपुर से एक सांसद इंजीनियर निषाद को सदन में भेजा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी की मृत्यु होती है तो उस पर अगर सरकारी में है तो उसमें इंक्वायरी सेटअप होती है। इंक्वायरी सेटअप होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं मृत्यु के, चाहे डॉक्टर हों चाहे जैसे भी हो। उसमें जिस तरीके से आँख पर पट्टी बंधा हुआ, जिस तरीके से उसके एक्सीडेंट दिखाए गए हैं, तो मैं तो उनको इंक्वायरी की मांग करता हूँ। यहाँ नहीं बल्कि हम अभी बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद को सदन में आवाज़ उठाऊँगा, क्वेश्चन लगवा दिया हूँ और उसमें जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। और वह मेरा भाई है, मेरे समाज का बेटा है, उसे हम लोग सत्ता, अब ये सरकार नहीं करती है लेकिन हम सत्ता की चाबी लेंगे तो उसे शहीद का दर्जा हम दिलाएंगे। अभी भगत सिंह का शहीद, शहीद आजम भगत सिंह को इन लोगों ने भी नहीं शहीद का दर्जा दिया है, तो अब इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इस